दोस्तों आदाबर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टोंक का जो ये जनसरोकार मंच है, बड़ा कामयाब प्रोग्राम होने लगा है। बहुत लोग इसको पसंद करने लगे हैं। वजह यह है कि किसी एक टॉपिक को लेकर, नमूमन ये होता है कि अदब को लेकर, या अदब में भी फिक्शन है या पोइट्री है उसको लेकर अक्सर प्रोग्राम जो हैं वो हमारे यहाँ शुरू हो रहे हैं। लेकिन टोंक का जो ये मंच है, इसमें जन सरोकार मंच में मुख्तलिफ ज़िंदगी के मुख्तलिफ शेड्स नज़र आते हैं, मुख्तलिफ शोबे नज़र आते हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ के मुतालिक हों, चाहे कोई दूसरी जानकारी हो, पोइट्री हो, म्यूज़िक हो, यानी फ़ाइन आर्ट्स के भी तमाम जो 5 फ़ाइन आर्ट्स हैं उन सब का, फ़नून लतीफ़ा का यहाँ पर दीदार होता है। बड़े बड़े लोगों से हमें मुलाकात करवाई जाती है। और इस तरह से जो कोविड में जिस तरह से कि हम महरूम हो गए हैं सेमिनार या लाइव प्रोग्राम से, जहाँ हम बैठकर एक दूसरे के रूबरू होकर प्रोग्राम किया करते थे, महफिलें जमती थीं, उस सब से महरूमी जो है काफ़ी हद तक इस लाइव प्रोग्राम से या फेसबुक वगैरह से ख़त्म हो गई है। आइए दोस्तों, आज मैं आपको कहानी एक सुनाने जा रही हूँ जिसका उनवान है 2 गज़ ज़मीन। अब कहने का मतलब ये है कि कहानी तो मैं आपको सुना दूँगी, लेकिन मैंने कहानी क्यों लिखी, या कहानीकार कहानी क्यों लिखता है, या हम कहानी क्यों सुनते हैं, ये तो एक ऐसा सवाल है कि हर बच्चा कहानी सुन के बड़ा होता है। लेकिन आज के दौर में हम जो बड़े हैं, जब बड़े होने के बाद जब हम कहानी लिखते हैं या सुनते हैं, तो वो कौन सी ऐसी मतलब तहरीक है, वो कौन सा ऐसा जज्बात या कौन सा ऐसा फोर्स है जो हमें कलम के ज़रिए लिखवाता है। कलम से हम सादे कागज़ को स्याह करते हैं, लिखते हैं। जब कभी भी हालात ज़िंदगी के बदलते हैं, 50-60 साल में तकरीबन पूरा माशरा, पूरा समाज तकरीबन बदलने लगता है। अब ये समाज जब बदलता है तो तमाम जो सियासी, माशी, माशरती और समाजी के साथ इक्तेसादी हालात जो हैं वो बदल जाते हैं। तो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल जाता है, ज़िंदगी के तकाज़े बदल जाते हैं। हम जिस तरह से के मोहब्बत करते हैं इंसान एक दूसरे से, समाज में रहकर वो रिश्ते, वो मोहब्बतें, वो नफ़रतें, वो हसद, वो जलन और तमाम जितने भी जज्बे इंसान की सरिश्त में शामिल हैं, उसकी गुट्टी में शामिल हैं, उन सब का अपना एक तरीक़ा होता है जो रफ्ता रफ्ता नस्ल दर नस्ल बदलता चला जाता है ज़माने के तकाज़ों के लिहाज से। अब इसी का आम इंसान तो देखकर ठीक है, महसूस तो करता है, बात भी करता है, लेकिन अदब में उसको कैसे लिया जाता है, अदब का जो तख्लीक़कार है, जो फ़नकार है,
वो कैसे लिखता है, क्योंकि वो भी उसी समाज का परवरदा होता है। लेकिन उसमें आम इंसानों से अलग और आम जज्बात से अलग जज्बात, अलग फिक्र ऐसी होती है कि वो उनसे बेहतर जबान में बेहतर जज्बात को, बेहतर एहसासात को बयान कर सकता है। और वो जब बयान करता है तो उसमें एक ऐसा हुस्न, एक ऐसा जमालिया, चूंकि बयान करने के लिए उसके इर्द गिर्द की ज़िंदगी होती है उसकी, और जिसे हम समाजी हकीकत निगारी कहते हैं, यह हकीकत हमारे चारों तरफ है, उस हकीकत को किस तरह से फ़न का जामा पहनाया जाए कि पढ़ने वाले या सुनने वाले को इंबसात हासिल हो, महजूज हो, उसे प्रसन्नता हो, उसे खुशी हो, और उसी के साथ साथ उसके अंदर, उसके बतन में, उसके बातिन में, उसके अंदरून में कुछ ऐसी ऐसे एहसासात पैदा हो जाएं कि जिससे वो गौर व फिक्र करे अपने हालात, अपने माहौल के मुताल्लिक। और वो गौर व फिक्र किस तरफ करे, कौन सी समत ले, वो किस तरह से सोचे, वो समत अता करता है अदब, वो समत अदा करती है कहानी। और कहानी जो है वो इंसान की जिंदगी की उन तमाम पहलुओं को, जिंदगी के उन तमाम पहलुओं को जिससे वो रात दिन जूझता है, उसका आईना होती है। और आईने को देखने के लिए जब आईना देखा जाता है तो इंसान को अपनी गलतियाँ, अपनी कमियाँ तो मालूम होती ही हैं, उससे आगाही तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं फनकार उस कहानी में के अख्तिताम में या उस कहानी के ताने बाने में कुछ ऐसी ऐसे जज्बात, कुछ ऐसा पैगाम, कुछ ऐसा सबक, कुछ ऐसी नसीहत, कुछ ऐसी मुस्बत बातें उसमें बयान करता है कि जिससे कारी को, पढ़ने वाले को, पाठक को एक रास्ता मिलता है सोचने का। पूरा का पूरा समाज आज के दौर में अगर ये कहा जाए कि अदब से या साहित्य से या किसी नॉवेल से या किसी कहानी से बदल रहा है या बदल जाएगा या उसमें एक क्रांति आ जाएगी, तहरीक पैदा हो जाएगी, ये आज के दौर में तो मुमकिन नहीं हो। इसलिए मुमकिन नहीं है कि जिस तरह से कि हमारी दुनिया तेज से तेज तर हो गई है, ज़िंदगी तेज से तेज तर होती चली जा रही है, और जिस तरह से हमारे मसाइल, जो हमारी अपने मसाइल, समाजी मसाइल, मुल्क के मसाइल, बैनुल अक्वामी सतह के मसाइल, और उसी के साथ साथ जो कुदरत के साथ हमने छेड़छाड़ की है उसके अजाब किस तरह से हमारी नस्लों को या हमारे नौजवानों को या हमारी ज़िंदगी को मुतासिर कर रहे हैं, उसमें एक कहानी आपको पूरी तरह से बदलने से कासिर है। लेकिन ये भी मैं नहीं कहती कि कहानी से या अदब से बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं या कुछ बदलता ही नहीं, रफ्ता रफ्ता ही सही। ये बड़ा सब्र तलब रास्ता है, रफ्ता रफ्ता बहुत कुछ ऐसा कारी के जहन में आता जाता है कि वो उन हालात के तहत उस कहानी में बयान
करने वाला जो प्लॉट है और उसी के साथ साथ जो किरदार हैं, जो चलते फिरते किरदार हैं, जो मंजर निगारी है, जो मकालमा निगारी है, डायलॉग्स हैं, जो ज़बान है, जो कहने का तरीक़ा है, वो अपने इर्द गिर्द कहीं ना कहीं महसूस करता रहता है। ज़िंदगी में कभी ना कभी उसका वास्ता उन मसाइल या उस रास्ते से पड़ता है जिस रास्ते से कहानी होकर गुजरती है, और उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का अपना एक बाब है, मेरी ज़िंदगी का अपना एक चैप्टर है, या चैप्टर का एक कोई हिस्सा है। अच्छा, तो ऐसा था उस वक्त, तो मुझे ऐसे सोचना चाहिए, इसका हल ये हो सकता है या इसका रास्ता ये हो सकता है। अदब हमें उस मकाम पे लेकर जाता है। अब जो कहानी मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ, पढ़ने जा रही हूँ, दो गज़ ज़मीन, आप जानते हैं कि दो गज़ ज़मीन ही आखिर में इंसान को चाहिए होती है, और वो ज़िंदगी भर क्या क्या करता रहता है। ज़िंदगी के मकसद, ज़िंदगी का मकसद वो मादी चीज़ों को खरीदने, अशिया को ख़रीदने और मादी ज़िंदगी गुजारने में सर्व करता रहता है, या फिर इस तरह के उसकी हालात हो जाते हैं जिसका मैंने भी आपसे अर्ज़ किया कि सियासी, समाजी और इक्तिसादी और माशी और तमाम हालात ऐसे हो जाते हैं, चाहे वो उसके ख़ुद की ज़िंदगी में हो, चाहे वो ख़ुद की ज़िंदगी में अगर वो होते हैं, फ़नकार ख़ुद अपनी ज़िंदगी के तहत या अपने किरदार में दिखाता है तो गोया वो जगबीती कह रहा होता है। तो इस कहानी में आपको ऐसे कई जहतें, कई शेड्स नज़र आएंगे कि किस तरह से इंसान को दो गज़ ज़मीन चाहिए होती है और ज़िंदगी उसकी कैसे वो गुजारता है, और फिर दो गज़ ज़मीन में भी क्या होता है, उसको दो गज़ ज़मीन भी जब मिलती है तो उसमें भी उसको क्या कुछ ऐसे हालात होते हैं जिससे उसे गुज़रना पड़ता है। तो ये कहानी पेश खिदमत है। मैं उर्दू में लिखती हूँ, लेकिन ये कहानी मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन के साथ सुनाने जा रही हूँ। उसकी बीवी और बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। उसकी बीवी और बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। माँ बाप, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब बेहद गमगीन हैं। सबकी आंखें नम हैं और वो आराम से सो रहा है। आज वो मर गया, बड़ा खुश है, क्यों ना हो, उसे तो निजात मिल चुकी है इस दुनिया से, इस फितरत से, इस जिंदगी से, इस फिजा से, माहौल से, समाज से, स्टेटस से, भूख से, खाली पेटों से। अकेला थोड़ी है, बहुत से पेट उसके साथ थे, सबसे निजात मिल गई है। कितनी परेशानियां थी उसकी जिंदगी में, एक अदद बीवी, तीन बच्चे, बूढ़े माँ बाप, और फिर एक ही शहर में होने की वजह से रिश्तेदार, उनका आना जाना, शादी ब्याह, मौत मरण, बीवी की आरजुएं, लेना देना, बच्चों की पढ़ाई, वालदेन की बीमारी, उसके साथ साथ महंगाई, फिर यही नहीं, उसे फिक्र थी अपने मुल्क के निज़ाम की, अपने गांव कस्बों की, खेत खलियानों की, बाढ़ और अकाल की, नदियां और झीलों की, कुओं और हैंडपंपों के सूखने की, शहर की गंदगी की, और न जाने किस किस की। इनसे आगे देखता तो अमेरिका के इक्तदार की, यानी उसका प्रभुत्व जिस तरह से उसने कायम कर रखा है,
और जिस तरह से अफगानिस्तान के हालात, इसराइल के हालात, फिलिस्तीनियों के संबंध, सीरिया के हालात, बस फुर्सत ही नहीं थी जिंदगी की हमाहमी और जजरो मद से, यानी अफरा तफरी और ज्वार भटे से। मगर आज वो इन सब से बहुत दूर निकल आया था, बहुत दूर निकल आया था। ना कोई फिक्र, ना कोई परेशानी, ना घर, ना खानदान, ना रोटी, ना कपड़ा, ना नौकरी, ना बॉस। आज वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि वो मर चुका था। अब उसे नहलाया जा रहा था। वो बड़ा खुश था। बचपन में माँ का संभाल संभाल कर नहलाना उसे याद आ रहा था। नहलाने के बाद कफन पहनाया गया। उसने महसूस किया वो कितना ढीला ढाला है। ना कमरबंद का कसाव है, ना बनियान का झंझट। कपूर की और इत्र की मिली जुली महक तो उसे बहुत पसंद आई। जब वो जिंदा था, इस नफासत को तरस गया था। कोरी तनख्वाह में इतने पैसे ही नहीं बचते थे कि वो इत्र फुलेल खरीद सके। आज देखो, सारा इंतजाम कितनी जल्दी हो गया था। मैयत को कफना कर जब आखिरी सफर पर ले जाने लगे, तो घर वालों ने रो रो कर आसमान सर पे उठा लिया। थोड़ी सी तकलीफ उसे भी हुई, बीवी बच्चों से बिछड़ने की, मगर घर को छोड़ते वक्त दिल नहीं दुखा, क्योंकि वो तो किराए के मकान में रहता था। तमाम जिंदगी अपना घर नहीं बना सका था। अपना कहने को घर था, मगर फिर भी अपना ना था। दरवाजे पर नेम प्लेट भी मकान मालिक की नेम प्लेट से छोटी लगानी पड़ती थी। मगर आज उसे कब्र मिलेगी जो उसकी अपनी होगी। उस पर उसके नाम का कतबा, एक तख्ती सरहाने लगाते, कतबा जड़ दिया जाएगा, नस्ब होगा बड़े अक्षरों में। और खुलासा खुलासा वहां वो आराम से दराज हो जाएगा। कोई खलल पहुंचाने वाला ना होगा इस 2 गज जमीन पर। उसका, सिर्फ उसका प्रभुत्व होगा, उसकी मिल्कियत होगी। वो बड़े आराम से उसकी आगोश में पनाह गुजी हो जाएगा। रिश्तेदार उसे कब्र में लिटाकर ऊपर से मिट्टी डाल रहे थे। बड़ा गमजदा माहौल था। वो एक एक को देख रहा था। सब खामोश थे, सबकी आंखें डबडबाई हुई थी। उसने सोचा, जिंदगी में तो इन लोगों ने कभी इस कदर खुलूस और मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। या फिर हो सकता है मैंने ही इस नजदीकी को महसूस नहीं किया हो। अपनी मसरूफियत मैं वाकई मैं इतना डूब गया था कि महसूस करने का वक्त ही नहीं मिलता था। वो प्रभावित हो ही रहा था कि इतने में किसी का मोबाइल बज उठा। मिट्टी डालते डालते हाथ रोककर उसने मोबाइल संभाल लिया। इतने में उसके कान में फुसफुसाती हुई आवाज आई, धीरे बात कर, वरना फिर से जाग गया तो दोबारा कंधों पर। और वो आगे सुन न सका। उसने आंखें बंद कर ली। धक्का भी लगा, मगर शायद धीरे से, क्योंकि वो तो मर गया था। सब रिश्तेदार चले गए, सब रिश्तेदार चले गए थे। अब वो तन्हा था। वो और उसकी 2 गज जमीन, उसकी अपनी मिल्कियत। वो बेहद मुतमईन था। न वक्त का कोई एहसास, न दिन न रात। वाह, मौत भी इंसान को कितना सुकून देती है।
और वो इतना ही उससे दूर भागता रहता है। बड़ा बेवकूफ है, वो बुदबुदाया और ख्यालात को झटका देकर जहन को राहत देने की गरज से अपने सारे अंगों को, आज़ा को शिथिल कर लिया, मुजमहिल कर लिया। उसने महसूस किया वो और कब्र की मिट्टी दोनों घुल मिल रही हैं, वो जर्रे जर्रे में समाता चला जा रहा है। उसे बड़ा सुकून मिला, मगर वो सुकून, वो इत्मीनान कुछ देर का ही रहा। अचानक उसे दोकर जमीन तंग होती नजर आई, उसे अपने नीचे कुछ हलचल महसूस हुई। उसने देखा उसके नीचे कोई दबा हुआ है। उसने गौर से देखा तो जिस कब्र को वो अपनी मिल्कियत समझ रहा था, उसे मिलके समझ रहा था, उसे बड़ी वहां जिस कब्र को अपनी मिल्कियत समझ रहा था, वहां दो मैयतों का पहले से कब्जा था। उसे बड़ी मायूसी हुई। जिंदगी भर तो किराए के मकान में बसर की और मरने के बाद भी इस दो गज जमीन को इन दोनों के साथ शेयर करना पड़ेगा। या खुदा, यहां भी चैन न मिला। खैर, जैसे तैसे उसके दिन गुजरते रहे। पहले की दो मैयतें उससे पहले ही मिट्टी में तहलील हो गईं, घुल मिल गईं। उसने शुक्र किया, मगर ये क्या, अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि उसकी कब्र के बाहर उसे भारी कदमों की आवाज, आहट सुनाई दी। उसका दिल धड़कने लगा। अब कौन इधर आ रहा है? कुछ देर बाद उसकी कब्र को खोदा जा रहा था। अब एक और मैयत दफनाने की तैयारी हो रही थी। उसको दम घुटने लगा, वो घबरा गया, खुदा से दुआ मांगी, मगर सब बेकार, सब रायगा। ये दो गज जमीन का यही दस्तूर है, हमेशा से यही होता चला आया है। आखिरकार नई लाश ने उसे दबा दिया। वो हाथ पांव मारने लगा, चाहता था कि चीख मारे, मगर वो गले में ही अटक गई, कर रह गई, और फिर घबरा कर उसकी आंख खुल गई। दिसंबर के महीने में भी उसे वो पसीने से नहाया हुआ था। वो लिहाफ के बाहर आ गया। नाइट लैम्प की मध्यम रोशनी में उसे एक ढेर सा नजर आने लगा आया। ये कैसा ढेर है? कहीं मेरी कब्र तो नहीं? उसने गौर से गर्दन झुकाकर देखा। उसके निकल आने के बाद भी वहां उस लिहाफ में चार अफराद सुकड़े सुकड़ाए सो रहे थे, मगर उन्हें पसीने नहीं आ रहे थे। फिर उस ढेर में कोई कुलबुलाया। उसने देखा और सुना भी। बीवी ने लिहाफ में मुंह बाहर निकालकर कहा, लिहाफ से मुंह बाहर निकाल कर कहा, अजी सुनते हो, कहाँ चले जाते हो? आओ ना, मुझे ठंड लग रही है। शुक्रिया। आप सब ने मेरी ये कहानी सुनी, अपना वक्त निकाला कीमती, और दो गज जमीन मेरी जबानी आज आपने सुनी। मैं आप सबका इस्तकबाल के साथ खैर मकदम करती हूँ, आप सबको आदाब बजा लाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि जो बातें इब्तिदा में अर्ज़ की गई थी इस कहानी में, तकरीबन वो तमाम शेड्स आपको नज़र आए होंगे कि किस तरह से इंसान जो है वो अपने हालात, तख्लीकार फ़नकार अपने हालात से जो मवाद लेता है, अपने हालात से तमाम चीज़ें लेता है, कहानी का ताना बाना बुनता है और उस कहानी में उसे पिरोता है, और उसकी फ़िक्र, उसकी पसंद नापसंद, उसकी फ़िक्र, उसका गम, उसका गुस्सा, उसकी तरजीहात, वो सब उस अफसाने में वो किस तरह से बयान करता है कि
सुनने वाला महसूस भी हो और महसूस भी करे कि वाकई मेरा दौर इस तरह का है, मेरे हालात इस तरह के हैं, हमारी ज़िंदगी इस तरह की है, जिस तरह से कि हम इस कहानी में बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेरा आप सबको जो है आदाब। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। शुक्रिया।